हाय स्टूडेंट्स, आई एम दीपक रजौरिया। वेलकम टू माय चैनल फोकस क्लासेस। स्टूडेंट्स, अभी जो क्वेश्चन लेके आऊँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स से है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास टेंथ के लिए। ये क्वेश्चन लिया है एक्सरसाइज 3.5 से, क्वेश्चन नंबर 2 और इसका पार्ट नंबर 1। इसमें दिया है हम लोगों को, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस का एक पेयर हम लोगों को दे रखा है, तो हम लोगों को बताना है कि ए और बी की कौन सी वैल्यूज़ के लिए इस गिवन पेयर के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो हम लोगों को जो दो इक्वेशंस दे रखी है, एक बार लिख लेते हैं इन इक्वेशंस को। सो फर्स्ट इक्वेशन है 2x + 3y = 7। अब हम लोग क्या करें, इसको ना स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। और लीनियर इक्वेशन की टू वेरिएबल्स में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको चेंज करना है इस फॉर्म में, तो उसके लिए जस्ट क्या करना है, 7 को इधर ट्रांसपोज कर देना है। तब हम लोग इस इक्वेशन को लिख सकते हैं 2x + 3y, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो -7 = 0, और ये बन जाती है इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन जो दे रखी है वो है a - b (x) + a + b (y) = 3a + b - 2। अब जरा देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर एक x वाला टर्म होता है, y वाला टर्म होता है और एक कांस्टेंट। तो यहाँ पे x वाला टर्म ये है, y वाला टर्म ये है, और ये क्या है फिर, तब कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है ना, तो सबसे पहला काम क्या करूँ कि इसको ब्रैकेट में रखूँ, ठीक है। अब इसको क्या करो, ट्रांसपोज करो, मीन्स कम्प्लीटली पूरा ब्रैकेट ही आपको ट्रांसपोज करना है। तब इसको ट्रांसपोज करके क्या लिख सकते हो, तब लिखा जा सकता है इसको a - b (x) + a + b (y), और इस ब्रैकेट को ट्रांसपोज करेंगे तो इधर कैसा था, ये पॉजिटिव था, ट्रांसपोज करेंगे तो नेगेटिव। तब ये हो जाएगा, माइनस का साइन लगाइए, 3a + b - 2, एंड दिस इक्वल टू 0, और ये बन गई हम लोगों की इक्वेशन नंबर 2। राइट, अब इन दो इक्वेशंस के बेसिस पर हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, a1 का मतलब होता है पहली इक्वेशन में x का कोफिशियंट। तो a1 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में x का कोफिशियंट कितना है, 2। b1 यानी कि फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशियंट कितना देख पा रहे हैं, 3। और c1 का मतलब फर्स्ट इक्वेशन में कॉन्स्टेंट टर्म कितना है, माइनस का 7। अब सेकंड इक्वेशन के अंदर फाइंड करिए a2 का मतलब सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशियंट। सो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशियंट क्या है, a - b, ठीक है। b2 फाइंड करें, मीन सेकंड इक्वेशन में y का कोफिशियंट जो कि कितना है, a + b। और c2 फाइंड किया तो ये है माइनस का ब्रैकेट में 3a + b - 2। क्लियर, ओके। अब किसकी बात करी गई थी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की। सो फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की कंडीशन क्या होती है, उसकी कंडीशन होती है a1 / a2 = b1 / b2 = c1 / c2। मीन्स दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशियंट्स का रेशियो, y के कोफिशियंट्स का रेशियो और कांस्टेंट टर्म्स का रेशियो कैसे होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए, राइट। अब हम लोगों के पास में a1 a2 b1 b2 c1 c2, इन सब की तो वैल्यूज़ है, क्या करें, पुट कर देते हैं। तो a1 के प्लेस पे आपने रखा, दैट इज़ 2 / a2, a2 कितना है, a - b, एंड दिस इक्वल टू b1 कितना है, 3, और b2 कितना है, दैट इज़ a + b = c1, c1 कितना है, माइनस का 7 / c2 कितना है, माइनस का 3a + b - 2। अब सबसे पहला काम तो ये करिए, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 एक्सप्रेशंस हैं, और तीनों ही एक्सप्रेशंस आपस में कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है। अगर ये तीनों एक्सप्रेशंस इक्वल है, तो यहाँ से ना हम लोग कम से कम दो रिलेशंस निकाल लेते हैं। पहला रिलेशन निकाला कि क्योंकि तीनों ही इक्वल हैं, तो ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। अगर तीनों इक्वल हैं, तो ये दो भी आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। और इसी रिलेशन को हम लोग अलग अलग लिख लेते हैं, इन्हीं दोनों रिलेशन्स को। सो यहाँ से हम लोगों को फर्स्ट रिलेशन मिला कि 2 / a - b = 3 / a + b, करेक्ट। और जो दूसरा रिलेशन यहाँ से मिल जाता है हम लोगों को, वो होता है 3 / a + b
दिस इज इक्वल टू 7 upon 3a plus b minus 2। अब जस्ट क्या करें, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये तो a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d जैसी फॉर्म है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस कैन बी रिटर्न, देखो 2 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, a प्लस b के साथ में, और 3 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, a माइनस b के साथ। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिखेंगे तब 2a, और 2 का मल्टीप्लाई b में किया तो 2b, 3 का मल्टीप्लाई a में किया तो 3a, और 3 का मल्टीप्लाई माइनस b में करेंगे तो माइनस का 3b। ठीक है, a वाले टर्म्स एक तरफ लेके जाइए, b वाले टर्म्स दूसरी तरफ लेके जाइए। तो इसको ट्रांसपोज कर देते हैं, तब इसको लिख सकते हैं, देखिए 2a इधर ही है, 3a को इधर से ट्रांसपोज किया तो माइनस का 3a, एंड माइनस का 3b यहीं पे रखा, और 2b को इधर ट्रांसपोज किया तो माइनस का 2b। अब माइनस का 3a और प्लस का 2a कितना हो गया, माइनस का a, एंड दिस इक्वल टू माइनस का 5b। ठीक है, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, इसका मतलब a इक्वल टू निकल के आया कितना, 5b। और ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो इस रिलेशन का तो हम लोगों ने यूज़ किया, अब हम लोग आते हैं इस रिलेशन पे। तो यहाँ भी क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। सो 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3 इस ब्रैकेट के साथ में कर दीजिए, 3 का मल्टीप्लाई होगा 3a प्लस b माइनस 2, एंड दिस इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ में करिए, सो a प्लस b, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 9a, 3 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये बन गया 3b, और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में करेंगे तो माइनस का 6, 7 का मल्टीप्लाई a में किया तो 7a, 7 का मल्टीप्लाई b में करेंगे तो ये बन गया 7b। ठीक है, अभी क्या करिए, सबको एक तरफ लेके आ जाइए, तो यहाँ पे है क्या 9a, ठीक है, इसको ट्रांसपोज किया तो ये माइनस में आएगा 7a, प्लस का इधर क्या है 3b, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में आएगा, तो माइनस का 7b इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो ये इधर क्या था, नेगेटिव, ट्रांसपोज करेंगे तो पॉजिटिव, यानी कि 6, 9a माइनस 7a तो कितना बचा 2a, अब 3b माइनस 7b माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन लगाइए, बड़े में से छोटे को माइनस किया तो 4b, एंड दिस इक्वल टू 6। अब a की वैल्यू हम लोग क्या करें, इक्वेशन नंबर 3 से पुट कर सकते हैं, यहाँ पे a कितना है 5b, सो a के प्लेस पे 5b रख दीजिए, 2 into 5b minus 4b, एंड दिस इक्वल टू 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, सो 2 का मल्टीप्लाई 5b में करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 10b माइनस का 4b इक्वल टू 6। अब देखो 10b में से 4b माइनस करेंगे तो कितना होगा, 6b इक्वल टू 6, इसका मतलब b इक्वल टू, इसको भी ट्रांसपोज करो 6 upon 6, तो b इक्वल टू आ गया 1। सो b की हम लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली, अब क्या करें, इस b की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे तो a की वैल्यू निकल आएगी, रख देते हैं, सो ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर 3, 3 में रख रहे हैं, सो a इक्वल टू 5 into b था ना, और b के प्लेस पे आप क्या रखना है 1, सो a इक्वल टू 5 into 1 कितना हो गया 5, सो a इक्वल टू कितना निकला 5, और b इक्वल टू कितना है a, देयरफॉर a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर ऐसा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बाकी के वीडियोस के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। फिर से आता हूँ एक नए क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।